2014 में स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट पास किया गया था। वो कानून बहुत अच्छा था लेकिन उसका आज तक कभी अमल नहीं किया गया पूरे देश के अंदर। तो दिल्ली पहली सरकार है, दिल्ली सरकार जो अब इसको अमल करने जा रही है। उस कानून के तहत स्ट्रीट वेंडिंग कमिटीज बननी है। दिल्ली में स्ट्रीट वेंडिंग कमिटीज बना दी गई हैं। पिछले हफ्ते उसका फाइनल नोटिफिकेशन हो गया है। तो पूरी दिल्ली के अंदर रेडी पटरी वालों का पूरा सिस्टम जो है वो व्यवस्थित होगा और ना इससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स होंगी और ना ही इससे, और पूरी दिल्ली जो है वो अपनी दिल्ली सुंदर बनेगी। मैं 22 साल से काम कर रहा हूँ जी, यहाँ पे 22 साल से बैठा हुआ हूँ। मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ, मैंने कोई महल दो महल नहीं बनाए यहाँ पे। रोटी कमाता हूँ, रोटी खाता हूँ, उससे भी इन्होंने मेरे को महरूम कर रखा है। और पुलिस वाले ऐसे आके मारते हैं, ऐसे आके मारते हैं कि पूछिए मत। जैसे गधे को मारा जाता है ना, इस तरीके से हमारे को मारपीट की जाती है, जबकि मार पिटाई का उनका अधिकार नहीं है। वो हमें बताते हैं कि आप कोर्ट में जाओ, तो उनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए कि वो हमें पकड़ें और कोर्ट में पेश करें, ना कि हमको मारा जाए। लेकिन कोई भी अधिकारी, चाहे वो पुलिस का अधिकारी है, MCD का अधिकारी है, या कोई और नेता है, कोई भी सुन के राजी नहीं है। समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। एक्ट पास होने के बाद में तुरंत लागू कर दिया जाता है। 14 अगस्त को हम लोग आज़ाद नहीं थे, 15 अगस्त को आज़ाद हो गए तो सब लोग आज़ाद, हिंदुस्तान आज़ाद। लेकिन हमारा एक्ट आने के बाद में हमारे पर लागू नहीं किया जा रहा वो एक्ट। हमारे पेट पर लात मारा जा रहा, हमारी रोटी छीनी जा रही है। अब आप बताइए हम करें तो करें क्या? भूखा मरता क्या ना करता। अगर हम कोई गलत काम करने लग जाएं तो कहेंगे पटरी वाले हरामी हैं, पटरी वाले बदतमीज हैं। बताइए हम कितना सब्र करें। 30-35 सालों से हम यहाँ पर पटरी पर रोटी रोजी कमाते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी कोई 6 महीने पहले से आकर MCD हमारा सामान उठा कर ले जाने लगी। सीधे आए, बुलडोजर चलाया, किसी का सामान पकड़ा, यहाँ से 4 गाड़ियाँ भर के सामान की ले गए। कुछ इधर बाबू नहीं दिया गया यहाँ पर। MCD वाले बगैर कुछ किए, बगैर कुछ कहे, ना हमें कुछ नोटिस दिखाते हैं, ना कुछ पेपर दिखाते हैं। इंक्रोचमेंट के नाम पे हम लोगों को उठाया जाता है, और जब हम उनसे कागज़ की मांग करते हैं तो वो बोलते हैं कि आप हमारे अफसर से बात कर लीजिए, आप हमारे DG से बात कर लीजिए। लेकिन हमारे को किस ऑर्डर से हटाया जा रहा है वो तक हमें नहीं दिखाया जाता। जब हम लोगों ने इनके साथ मीटिंग करी तो हमें पता चला यहाँ पर कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, यहाँ कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया गया, बल्कि अपनी तानाशाही रूप से यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट होता क्या है, जो कच्चा पक्का ढांचा खड़ा कर ले और कोई स्थायी दुकान बना ले, चलने में दिक्कत हो, वो इंक्रोचमेंट होता है। बेंडर्स तो इंक्रोचर होता नहीं है। बेंडर का काम ये होता है अपना काम करना, काम करके अपना सामान घर ले जाना। वहाँ क्या हुआ कि इंक्रोचमेंट तो MCD ने हटाई नहीं, टच ही नहीं किया, उन्होंने उठा के बेंडर को ही साफ कर दिया। और क्योंकि जो वहाँ से पैसा आता है, बड़ी बड़ी दुकानें, उन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखा है। निजामुद्दीन में क्या एक मरकज़ वाले हैं, मरकज़ वालों ने क्या किया, बेंडर को हटा करके वहाँ सीधे जो है गमले खड़े कर दिए, बेंचें रखवा दी। इसमें MCD और वहाँ अराजक तत्व मिले हुए हैं, या तो इनको मोटा पैसा जाता है।
जितने खजूर वाले फेरी करने वाले सबको हटा कर उन्होंने क्या कर दिया, अमीर लोगों का पार्किंग बना दिया गया, वहाँ पे रोजगार छीन लिया गया गरीबों का। मैं 1996 से पटरी लगाता हूँ जी, ठीक है जी। मेरे दो बूढ़े माँ बाप हैं, उनका इसी से पटरी से ही मैं अपना करता था, पालन पोषण सब कुछ करता था इसी से। मगर अब वो ऐसा हाल हो गया है तो उनको क्या, अपना ही नहीं पेट भर रहा तो उनको कैसे करें, बूढ़े माँ बापों को। मेरे को हैंडीकैप हूँ, मैं इसी से पटरी से कमा के खाता था, एक आँख से बिल्कुल दिखता नहीं है, एक आँख से आधा दिखता है। यहाँ पर ये पटरी पर मैंने कम से कम 20 साल हो गया, 20 साल का मेरे पास पुरुख भी है, पर्ची भी है, सब है मेरे पास, फिर भी कि ना मेरे साथ कि ना ऐसे गद्दारी हो रहा। मार्केटों को उजाड़ा जा रहा है, ये सरासर गैरकानूनी है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रीट वेंडर एक्ट किसी भी पटरी वालों को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उनका सर्वे हो जाएगा। और आए दिन परेशान करते हैं ये, जो कि हमारा कानून बन चुका है 2014 हमारा दिल्ली सरकार के द्वारा कानून बन चुका है कि जब तक हर एक वेंडर का सर्वे ना हो जाए, उनको वेंडिंग आप सर्टिफिकेट ना दी जाए, तब तक आप ना उनको हटा सकते हैं ना दूसरी जगह आप शिफ्ट कर सकते हैं। सब कुछ होने के बावजूद MCD के अधिकारी हमारे कानून को मानने के लिए राजी नहीं है। मिठाई पुल उजाड़ दिया, चांदनी चौक में जो स्ट्रीट वेंडर कईयों सालों से लगाता था, जिनके पास चोपड़ा कमेटी से अलॉटमेंट है, उनको उजाड़ दिया। और लाल किला के सामने बाहर जो लगा करती थी पटरी, वो उजाड़ दी इन लोगों ने। फिर आ गए ये दरियागंज, यहाँ पे इस बाज़ार के अंदर जो गोलचा टू डिलाइट जो लगता है, यहाँ पे ऐतिहासिक किताबें मिलती है। ये हेरिटेज संडे बुक बाज़ार इतने सालों से लगता आ रहा था और 2011 से ये लोग तहबाजारी की पर्ची काट रहे हैं 15 रुपये की। आज ये कहते हैं कि ये जो इलाका है ये नो वेंडिंग जोन है, नो हॉकिंग जोन है। तो यानी वो जो पैसे ये ले रहे थे, क्या वो इलीगल था, क्या वो क्राइम था, करप्शन था, वो एक स्कैम था, या तो वो इन लोगों ने खा गए वो पैसे, या फिर ये लोग आज झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं, जो हम लोग को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। हर हफ्ते का ये MCD का नाटक बन चुका है कि हम लोग बाज़ार लगाते हैं और वो लोग अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं, उनके साथ पुलिस वाले होते हैं और हमारे माल को भर लेते हैं। अगर जाम लगता भी था तो उसके आप लोग समाधान निकालते हैं उसका, लोगों को व्यवस्थित करते, और एक रेगुलेशन एक कानून जब है देश में संविधान के दायरे के अंदर, तो आप उसके अंदर सबको लाते। आपने सोचा कि हम उसको व्यवस्थित तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि नॉर्थ MCD अंदर से बहुत खोखला डिपार्टमेंट है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि एलिमिनेशन इज़ बेटर देन रेगुलेशन। तो उन्होंने ये सोच करके सब लोगों को वहाँ से हटा दिया, ताकि सब लोग हट ही जाएँ तो ख़त्म ही हो जाए सब चीज़। उस कानून में तो बिल्कुल स्पष्ट है, Section 3 है, Section 33 है। Section 33 ये कहती है कि ये कानून बाकी सब ऑर्डर्स और बाकी सब कानून, चाहे म्यूनिसिपैलिटी का कानून हो, जो भी कानून हो, उन कानूनों से सबसे ऊपर है ये वाला कानून। ये कानून लागू है। ये था 1/5/2014 वाला कानून, जिसमें ये स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट कहा जाए उनके संरक्षण के लिए ये कानून बनाया गया था, सेक्शन 33 के तहत। सेक्शन 3 के तहत हर स्ट्रीट वेंडर का सर्वे होगा, कोई भी स्ट्रीट वेंडर हटाया नहीं जाएगा जब तक सर्वे नहीं होगा और जब तक उसको रजिस्टर ना किया जाए। पहले तो रजिस्ट्रेशन एक हक बन गया है, यानी कि जीव का संरक्षण एवं उनका विनियमन। अब होता क्या है कि आजकल जो ये कोर्टें हैं, हाई कोर्ट है, तो उनका संरक्षण नहीं देख रही हैं, जबकि कोर्ट ये सीधा कह रहा है कि पहले उनका लिवलीहुड का संरक्षण होना चाहिए, उनका प्रोडक्शन होना चाहिए। वो प्रोडक्शन को ना देखे, केवल रेगुलाइजेशन देख रही हैं। जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी इसको फैसला करेगी या हाई कोर्ट ऐसा फैसला दे रही हैं, या तो वो एक्ट को पढ़ते नहीं हैं हाई कोर्ट वाले, या कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के दबाव में ये करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर किसी गरीब वालों के हक में था तो इन्होंने नहीं माना, पर 2006 का ऑर्डर SDM साहब को गुमराह करके इन्होंने MCD वालों ने रात ही रात में ले लिया, DC साहब ने ले लिया। वैसे जजमेंट्स भी जिनका सीधे तौर पे रेड़ी पटरी पे कोई असर नहीं पड़ता, उसका सहारा लेकर दिल्ली की पुलिस और दिल्ली की MCD रेड़ी पटरी वालों को दिल्ली से भगाने का कोशिश कर रही है। टाउन वेंडिंग कमेटी, जो कि वेंडर्स जिसमें 30% वेंडर्स हैं, वो लोग बैठ के म्यूनिसिपैलिटी के साथ बैठ के देखेगी कि सारे शहर में कहाँ पे वेंडिंग जोन होना चाहिए, कहाँ पे नो वेंडिंग जोन होना चाहिए। तो लोगों को एक जगह से हटाया नहीं जाएगा, लेकिन और बहुत ही ज़रूरी है किसी वजह से तो हटा के, नो वेंडिंग जोन से हटा के वेंडिंग जोन में लगा रखे जाएंगे वेंडर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन हो क्या रहा है, उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि
टाउन वेंडिंग कमेटी के बनने से पहले ही कह रहे हैं कि ये नो वेंडिंग एरिया है, तो पूरा उल्टा पुल्टा करके बहुत लोगों को हटाया जा रहा है। मेरा अधिकार है जो मुझे मिलना चाहिए, और तीन महीने से मैं इतना परेशान हूँ कि घर के अंदर जब जाता हूँ ना तो कहते हैं कि हाथी के ऊपर बैठा इंसान होता है ना, टाइम वक्त पूरा होता है तो उसको कुत्ता भी काट लेता है, मेरे को तो घर के कुत्ते भी काट रहे हैं। और मैं 40 साल से यहाँ पट्टी लगाता हूँ, 36 साल से मेरे पास प्रूफ है, मेरी 67 साल की उम्र है, 200-250 रुपये मैं रोज़ दवाई खाता हूँ, 200-250 रुपये मेरी मैडम दवाई खाती है। मैं पहले 200-300 कमा के अपनी दवाई खा के अपना गुजारा कर लेता था, लेकिन तीन महीने से मेरे को इतना परेशान किया जा रहा है, ना मेरा माल लग रहा है ना कुछ हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। इस उम्र में ना तो मेरे को नौकरी मिल सकती है ना मेरे पास कोई पैसा है काम करने के लिए। मेरा नाम कांता डोंगर कर है, मैं विधवा हूँ और विकलांग भी हूँ। यहाँ पर मैं 10-12-15 साल से पटरी लगाती हूँ और पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं, MCD तंग करती है, हमारा कोई कमाने वाला नहीं है। मेरा बेटा गुजर गया, उसके 4 बच्चे वो मैं पाल रही हूँ, और आते उठा देते लातों से फेंकते, पोस्टर बेचती हूँ मैं, पोस्टर जो दीवारों में लगते। तो जब बेटा मेरे पास में रोजी रोटी नहीं रहेंगी, 18 साल की लड़की है उससे छोटे बच्चे और है, तो मैं कहाँ से उनका गुजारा करूँगी। पुलिस प्रशासन बोलती है कि तुम भीख मांग लो वो अच्छा, मगर दुकान खोलने देंगे नहीं। हम लोग भारत के निवासी हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने देश में नहीं कमाए खाएंगे तो दूसरे जगह जाएंगे। अब हमारे सामने सवाल यही है कि जो लोग इतने सस्ते दरों पर दिल्ली की गरीब और मजदूर जनता को सामान मुहैया कराते हैं, क्या दिल्ली के समाज को उनकी ज़रूरत है कि नहीं, और अगर ज़रूरत है तो सरकारें इसके बारे में नीतियां क्यों नहीं बनाती हैं। जो रेड़ी पटरी का कानून है वो प्रतिबंधित करता है किसी भी स्थल से रेड़ी पटरी वालों को हटाने का, जब तक कि कोई परमानेंट स्ट्रक्चर वो नहीं खड़ा कर देते। तो ये स्थिति है, ऐसे में रेड़ी पटरी कानून बनाने का ही क्या मतलब है अगर उनको हर जगह से डिस्प्लेस ही किया जाएगा। तो मेरी सरकार से और न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ऐसे स्ट्रीट वेंडर को बिना किसी कानून के और ऐसे ना हटाया जाए, और इन गुंडों से जो ये गुंडागर्दी करके हम लोगों की रोजी रोटी को छीन रहे हैं, इनसे हमें बचाया जाए। क्योंकि 95% आदमी रेड़ी पटरी वाले अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, इसी का वो फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि गरीब आदमी होता है, गरीब आदमी क्या करता, मरता ना क्या करता, ऐसे बिना रोजी रोटी के कैसे अपने बच्चों को पालेंगे। सरकार से अनुरोध है इस तरफ भी ध्यान दें, हम केजरीवाल से भी अनुरोध करते हैं कि हमारा ही ध्यान करके संडे बुक बाजार एक ऐतिहासिक बाजार है, इस बाजार पे आने वाले सभी गरीब बच्चे, आजकल हमारी बच्चों की पढ़ाई का टाइम है, हमारी रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारा बाजार यही लगने दिया जाए, शीघ्र से शीघ्र इसका निर्णय किया जाए, ये हमारा सरकार से अनुरोध है। हमने 4 बार उनको लेटर दे चुके हैं कि मैडम कम से कम हमारी मीटिंग तो बुलाइए आप, जो हमारा कानून बना हुआ उस पर आप विचार कीजिए, जो हमारा अधिकार है उस पर विचार करके हमारा जो राइट बनता है उसको अधिकार हमारा दीजिए, लेकिन कोई सुनकर राजी नहीं है। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं इधर उधर आ जाके, लोगों से कहते हैं, जो सम्मानित लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनसे भी हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हम इतने वर्षों से अपना काम कर रहे हैं, हम इस समय कहाँ जाएँ, इस उम्र में कहाँ जाएँ, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई बीच अधूरी रह गई है, 6 महीने की पढ़ाई पूरी, 6 महीने पढ़े बाकी रह गई है, लेकिन कोई सुन के राजी नहीं है, हमारी कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बहुत मजबूर है, हम लोग दुखी हो गए, ऐसा लगता है कहीं जा कर के आत्महत्या कर दे, इतने दुखी हो गए, जब रोटी रोजी नहीं रहेगी बच्चों को हम क्या खिलाएंगे। हम कहेंगे तो उसमें कोई लाभ थोड़ी नहीं मिलेगा, ना हो जाएगा कुछ नहीं होगा, गरीब आदमी कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता है।